हेलो स्टूडेंट, ये क्लास फर्स्ट का इंग्लिश चैप्टर 6 लिटिल एंट्स बिग प्लान। लिटिल एंट यानी छोटे चींटी का बड़ा प्लान, प्लान मतलब योजना। तो ये चैप्टर का नेम है लिटिल एंट लव्स टू रीड। छोटे चींटी को क्या पसंद था? पढ़ना पसंद था। लिटिल एंट इज ऑफन टीज्ड। अब उसको कई बार क्या करते थे? चिढ़ाते थे। टीज मतलब चिढ़ाना। क्या कह के चिढ़ाते थे? एंट्स डोंट रीड, एंट्स पढ़ा नहीं करते। एंट्स मस्ट फीड, एंट्स क्या करना चाहिए? उनको खिलाना चाहिए। एंट्स को खाना बहुत जरूरी होता है। एंट्स कलेक्ट द फूड दे नीड, और एंट्स क्या करते हैं? भोजन को इकट्ठा करता है। जो भी भोजन उसको चाहिए उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो एंट्स जो है पढ़ते नहीं, ऐसे करके उसको क्या करते थे? चिढ़ाते थे। लिटिल एंट रीड्स ऑल डे। लिटिल एंट्स क्या करता था? दिन भर पढ़ता था। ही रीड्स रीड्स एंड रीड्स। वो पढ़ता था और पढ़ता था, सॉरी, वो पढ़ता है और सिर्फ पढ़ता है, ठीक है। द अदर एंट्स टेक व्हाट दे फाइंड टू स्टोर फॉर विंटर अंडरग्राउंड। तो जो दूसरे चींटी थे वो क्या करते हैं? जो भी उनको भोजन मिलता था उसको स्टोर यानी इकट्ठा करने के लिए, सर्दियों के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए वो सभी क्या करते थे? अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे जहां पे घर बनाए हुए रहते हैं वहां पे ले जाते हैं। देख रहे, गाजर मूली सब लेके जा रहे हैं, और जबकि छोटा चींटी क्या करता है? सिर्फ पढ़ता है। बट द क्वीन वांट्स फूड टू फिल द स्टोर। क्वीन क्या चाहती है? कि उसका जो स्टोर रूम है वो क्या कर हो जाए? भोजन से भर जाए। सो ऑल द एंट्स मस्ट वर्क सम मोर। तो इसलिए छोटी चींटी कहती है कि सभी एंट्स को अब कुछ ज्यादा ही क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। यानी उनको जितना समय काम करते थे भोजन इकट्ठा करने में, अब वो कहती है कि अब और ज्यादा समय क्या करेंगे हम लोग? काम करना पड़ेगा। लिटिल एंट बिगिंस टू शाउट अबाउट अ प्लेस ही रेड अबाउट। अब वो छोटा चींटी क्या करता है? चिल्लाने लगता है उस जगह के बारे में जो उस जिसके बारे में उसने पढ़ा था। और रेस्टोरेंट इज व्हाट वी नीड। वो कह रहा है कि एक रेस्टोरेंट चाहिए। रेस्टोरेंट क्या होता है? एक प्लेस रहता है जहां लोग क्या करते हैं? भोजन करने के लिए जाते हैं। इट सेज सो इन द बुक आई रीड। तो वो कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट में क्या होता है? भोजन करने जाते हैं, वहां पे बहुत ढेर सारा भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। तो वहां से ये जगह हम लोग को चाहिए, यानी कि वहां पे हम लोग को बहुत अच्छे मात्रा में भोजन मिल सकता है। तो वो कहता है कि अब इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय काम नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? रेस्टोरेंट में जाके वहां से भोजन ले आएंगे। तो सो द एंट्स गो मार्चिंग वन बाय वन टू अ रेस्टोरेंट। तो एक एक करके क्या करते हैं? सभी मार्च करते हुए लाइन बना करके रेस्टोरेंट जाते हैं। दे नाउ कैरी वेजिटेबल्स। अब वो क्या लिए? वेजिटेबल, साग सब्जी लिए, ताजे बंस ले लिए और वापस ले आए वहां से, ठीक है। देख रहे हो, साग ले जा रहे हैं, गोभी ले रहा है, टमाटर बंस ये सब ले जा रहे हैं वहां रेस्टोरेंट से। वेन दे रिटर्न द क्वीन इज ग्लैड। जब वो सभी वापस आ जाए तो क्वीन क्या हो गए? खुश हो गए। ग्लैड मतलब खुश होना। द स्टोर्स आर फुल। क्यों खुश हो गए? क्योंकि स्टोर्स क्या हो गए? भोजन से भर गया है। दे चीयर लाइक मैड। वो पागलों की तरह क्या करने लगे? झूमने लगे, गाने लगे। लिटिल एंट्स बेबी सिस्टर एक्सटेंड हर हैंड। और लिटिल एंट के जो छोटी बहन है वो क्या करती है? उसके हाथ फैलाती है, मतलब गले लगने के लिए। नाउ आई थिंक आई अंडरस्टैंड। कहती है कि अब मैं समझ गई, है ना। द वे यू लव टू रीड अ बुक मेक्स मी वॉन्ट टू टेक अ लुक। तो ये कहती है कि जैसे तुम पढ़ते हो किताब, अब मुझे भी क्या करना चाहिए? किताब को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।